एक दादी आने वाली है। हाँ जी, सुनते हो? आज खाने में क्या बनाऊँ, पुलाव या दाल चावल? अच्छा, मेरा दिमाग नहीं खाने वाली आज तुम? तो एक काम करो, पुलाव बना दो। ठीक है, दाल चावल ही बनाती। दाल चावल ही बनाना तो पूछा क्यों? वैसे परी, मुझे याद आया कि तुम्हारी है ना एक दादी आने वाली है तुमसे मिलने के लिए। दादी? हाँ। कौन सी दादी? मैं मिली हूँ उनसे? नहीं, वो बहुत दूर की दादी है तुम्हारी, पर आने वाली है। बहुत मजा आने वाला है तुम्हें उनसे मिलके। मैं तो मिली होंगी ना उनसे। अगर वो तुमसे मिली होती ना तो यहाँ आने की फिर से हिम्मत कैसे करती? क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, वो देखो डोर पे बेल बज गई है। ए, कोई है क्या घर पे? कैसी बात? तो क्या दरवाजे से ही भगाने का इरादा है? नहीं नहीं नहीं, खोल रही हूँ, खोल रही। खोलो जल्दी। आओ दादी, अंदर आओ, मेरा सामान ले लो। बैग ज्यादा ही भारी ना लेके जा। बहुत थक। अरे नहीं नहीं, बेटियां कभी पैर नहीं छूती लेकिन बहुए छूती है। अरे बेटा, दादी आप आ गए। बहुत संस्कारी बहू है हमारी। अरे बेटा चलिए आइए अंदर। आप यहाँ क्या कर रही है? आइए बेटा, वो बैग लेके आना। चलो चलो। कितनी प्यारी बच्ची है दादी। आप दूर से आई हो ना, पहले आप पानी पी लो। अरे तो दादी आप क्या खाओगी? अरे बेटा, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो ज्यादा खाया भी नहीं जाता, पचता नहीं है ना। मैं एक काम करती हूँ, गर्मा गर्म खिचड़ी बनाती हूँ। मम्मी ना एक ही आइटम है जो सबसे मस्त बनाती है, वो है खिचड़ी। अरे बहू, क्यों तकलीफ करती हो इस बुढ़िया के लिए? देखो, खिचड़ी विचड़ी मत बनाओ, सादा सा अपने लिए कुछ छोले भटूरे, पनीर का पुलाव बना देना, और ऊपर से अगर कड़ी चावल हो जाए तो मजा आ जाए। और क्या है ना, ज्यादा मीठा मैं खाती नहीं, अब मैं बूढ़ी हो गई है ना, तो गुलाब जामुन, रस मलाई और जिलेबी मार के बना देना, बस इतना इतना ही बस चाहिए। तो थोड़ा सा ही खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाने को होता है। दादी, इतना खाना तो उसने अपनी जिंदगी में मिलाकर भी नहीं बनाया होगा। क्या 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 बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ खाना बनाओ। मम्मी बनाओ, जाओ। मैं थोड़ा सा आराम कर लेती, खाना बन जाए तो बुला लेना। हाँ, ठीक है दादी। अच्छा, दादी को क्या हुआ? दादी, दादी दादी क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो देख, वो सरिता नागिन चुड़ैल मेरी उस हीरोइन को कितना परेशान करती है। एक तो उसके पति के ऊपर दौरे डालती है। दादी वो सब ना नकली होता है, रियल नहीं होता। अरे होता है होता है। देख देख देख, उस नागिन की शक्ल और तेरी माँ की शक्ल सेम दिखती है कि नहीं? देख देख। हाँ थोड़ी थोड़ी दिखती है। पर दादी आप एक काम करो, टीवी का आवाज जरा कम करो, कल मेरी एग्जाम है तो मुझे पढ़ाई करनी है। अरे माफ करो बेटा, माफ करो। वो क्या है ना, वो बूढ़ी हो गई ना, अब मैं तो सुनाई कम देता है। एक काम करो, इस टाइम के एग्जाम में ना तुम पढ़ाई मत करो, ठीक है? दादी ऐसा कैसे चलेगा,
पढ़ाई करनी पड़ती है। अरे परी, वैसे भी कहाँ तुम पढ़ लिख के कलेक्टर डॉक्टर बनने वाली हो, माँ की तरह कामचोर तो बनने वाली, क्यों पढ़ाई करना। चलो जा जा जा, तुम ना माँ बेटी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा सीरियल मिस हो रहा है। ठीक है, अब देख लो अकेले। अरे मत मार, दादी तो मम्मी से भी डेंजरस है। कौन पागल, रात में इतना जोर से कौन आवाज कर रहा है, कौन इतने जोर से बजा रहा है, देखो जरा जाकर। मुझे नहीं पता, पूरी नींद आ रही है। क्या हुआ दादी को, पता नहीं चला। अरे दादी क्या हुआ? क्या हुआ? मैं वज़ाम्बा कर रही थी, मेरी कमर अटक गई है। बेटा चलो डॉक्टर के पास। एक मिनट दादी, डॉक्टर विक्टर गया तेल लेने। ये क्या कर रही थी तुम? ज़ाम्बा ज़ाम्बा, डॉक्टर ने बोला ज़ाम्बा करो। ज़ाम्बा? दादी तुम्हारी जुम्बा करने की उम्र दो बार निकल चुकी है, क्यों कर रही हो अभी ये सब चीजें? अरे डॉक्टर ने कहा है जरा फिट रहा करो। अरे क्या कर रहा है? ठीक लग रहा है दादी? दादी ठीक हो गए? आज ना अब दादी को आपके बेडरूम में लेके जाओ सोने के लिए। अभी कल सुबह ना 3 बजे उठ के करूंगी। अरे यार दादी का कुछ करना पड़ेगा, रात की नींद और सुबह की चैन सब कुछ हमारे पास निकल गया, क्या करूं? दादी ना मुझे खाने देती है, पढ़ने देती है, ना टीवी देखने देती है, सोने भी नहीं देती। करूं तो क्या करूं, मम्मी पापा तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ एक आइडिया, वही करूंगी, चलो लेके जाके। अरे उसको मार, नागिन जहरीली कहेगी से मसल के रख दूंगी तुझे। दादी अब सोने नहीं गई अब तक? जा रही हूँ परी, वो सीरियल देख रही थी ना। अच्छा अच्छा दादी, आप सुबह उठ के 4 बजे डांस वगैरह करती हो ना? ज़ाम्बा? हाँ तुझे भी कर रहे हैं तो मैं सुबह उठा दूँगी। नहीं नहीं नहीं, वो ना आप 4 बजे उठकर मत किया करो। क्यों दादी? हमारे घर में ना एक चुड़ैल है, वो यहाँ वहाँ घूमती है और उसके साथ ना 2 भूत भी आते हैं। हाँ क्या बात कर रही है? अच्छा ये बात है। चलो अब सोने वरना वो फिर से आ जाएंगे। चलो चलो चलो, अच्छा हो गया तुमने मुझे बता दिया। चलो चलो। अब दादी को ऐसा डराऊंगी, ऐसा डराऊंगी, सुबह की गाड़ी पकड़ के चली जाएगी अपने घर। भाग जा दादी। दादी दादी अब यहाँ पर ऐसी क्यों बैठी हो? अरे परी बेटा, परी बेटा, अरे तुम कहाँ घूम रही हो? तुम पता है ना घर में चुड़ैल घूम रही है। पर आप ऐसी क्यों बैठी हो? अरे परी तुम्हें पता है चुड़ैल आई थी, ये ना चुड़ैल को भगाने का एक रामबाण इलाज है, ऐसे करके रात भर बैठो। रात भर? हाँ तो चुड़ैल भाग जाती है। एक काम करो, चलो तुम भी मेरे साथ बैठो, हम रात भर जग के ऐसे ऐसे करेंगे। अरे चुड़ैल भाग गई परी, चलो चलो आ जाओ, चलो बैठो। मैं बोल रही हूँ ऐसे बोलो, बम बम बम, चुड़ैल तुझ में है दम, चुड़ैल तुझ में है दम,
तो आके दिखा यहाँ पे, आके दिखा यहाँ पे। दादी को तो बर्गर बहुत पसंद है ना, मेरे हाथ से छीन कर खाती है। दादी अब खाओ, अब आप खाओ मसाला वाला बर्गर। क्या बोल रही है ये, एक सेकंड, इसमें तो मसाला गिर गया। अब आप खाओ मसाला वाला बर्गर। लगता है दादी हो गई, चली जाती हूँ यहाँ से। परी की मम्मी, अरे परी की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ रखा है, मुझे मिल नहीं रहा है। ये क्या रखा है यहाँ पर? ओहो बर्गर। वैसे भूख तो लगी थी, चलो खा ही लेता हूँ। वाह क्या बाप, ये क्या? आपने ये बर्गर खाया? ये बर्गर तुम्हारा है क्या? नहीं दादी के लिए रखा था, दादी को बर्गर पसंद है ना। दादी ये इतना तीखा बर्गर दादी को खिलाने वाले थी, अरे दादी तो मर जाती है खाकर। घर से निकालने का प्लान फ्लॉप हो गया। दादी को तो टीवी और उनका वो सीरियल तो बहुत ही पसंद है ना। एक काम करती हूँ, दादी का चश्मा ही छुपा के रख देती हूँ, फिर कैसे देखेगी उसका फेवरेट सीरियल। कुछ दिखाई नहीं देता, कहाँ है? दादी मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है? हाँ, अरे बहू मेरा चश्मा देखा? नहीं। अरे अब मैं क्या करूँ? अरे परी बेटा, अरे मेरी नागिन सीरियल चली जाएगी। पापा मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, दादी का क्या करे, दादी मुझे बहुत परेशान करती है। दादी के चक्कर में मेरी तो नींद खराब हो गई है। अरे वो सुरेश चाचा है ना, उनके पास दादी को भेज दो। अच्छा आइडिया है परी, वेरी गुड। एक काम करो, जल्दी से टिकट बुक करो। टिकट बुक करते हैं, दादी को भेज देते हैं। हाँ जल्दी से, दादी जल्दी जाओ, दादी जल्दी जाओ। हाँ ये हो गई टिकट। अच्छा अब दादी चली जाएगी। अरे हाँ हाँ जा रही हूँ दादी। सुरेश चाचा आपके यार में पागल हो गए। वैसे तो मुझे कभी फोन नहीं करता है। चलो चलो दादी। कौन आया अब? अरे परी बेटा, दादी अब यहाँ पर क्या कर रही हो? फ्लाइट छूट जाएगी, अब चली जा। अरे कौन सी फ्लाइट, वो नीचे गई तो वो टैक्सी वाला बोलता था माँ जी कहाँ जा रहे हो, हर जगह पानी भरा पड़ा हुआ है, ऊपर से सारी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। मैंने सुरेश को कॉल किया, उसने बोला सारी फ्लाइट कैंसिल है, अब मैं एक महीने बाद जाऊंगी। उसने मेरा एक महीने बाद का टिकट करवाया है। अच्छा किधर है तुम्हारी मम्मी, उसको बोलो जरा छोले भटूरे कुछ बनाए, अभी बारिश का मौसम है, थोड़ा सा बढ़िया सा कुछ हो जाए, पकौड़ा वकौड़ा चाय समोसा कुछ। अरे परी बेटा अपने मम्मी को बोल देना। हाँ
और मेरा बैग भी उठा के अंदर रख दो।